अबाउट इंडिया, ये भी हम पॉइंट वाइज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है नाइबर्स ऑफ इंडिया। नाइबर्स आपको पता है ना किसको हम बोलते हैं, पड़ोसी, है ना। नाइबर्स हम किसको बोलते हैं, पड़ोसी जो हमारे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाइबर्स। जिस तरीके से आप देखते हो हमारे जो घर होते हैं हर एक डायरेक्शन में, चाहे ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन आप ले लो, आपको पड़ोसी दिखेंगे, है ना, आपको अपने नाइबर्स दिखेंगे। यानी कि आपका जो मकान होता है, आपका जो घर होता है, आपके घर के इर्द गिर्द बहुत सारे और भी पड़ोसी होते हैं, बहुत नाइबर्स होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा जो भारत है, जो जिसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये जो एक घर बना हुआ है, ठीक है, इसके भी बहुत सारे पड़ोसी हैं, इसके भी बहुत सारे पड़ोसी मुमालिक हैं, इसके भी बहुत सारे नाइबरिंग कंट्रीज हैं। अब वो कौन कौन से नाइबरिंग कंट्रीज हैं, देख लीजिए हमारे भारत के कौन कौन से नाइबर्स हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए अफगानिस्तान भी हमारा एक नाइबर है, ठीक है, पाकिस्तान भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, और चाइना भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और इंडोनेशिया जो है, ये जितने भी कंट्रीज का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जितने भी कंट्रीज का नाम मैंने यहाँ पे लिया, ये हमारे नाइबरिंग कंट्रीज हैं, ये हमारे भारत के नाइबर्स हैं। कौन कौन सा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और इंडोनेशिया। इसमें से जो इंडोनेशिया और म्यांमार है ना, इनकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए, देख लीजिए, अगर वो हाई लेवल का पेपर डालिए ना तो वो ऑप्शन में इनको भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, ये जितने भी कंट्रीज मैंने यहाँ पे लिखे ना, ये इंडिया के नाइबर्स हैं। लेकिन बात यही पे खत्म नहीं होती है, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो आपको इतना नहीं पूछेगा कि इनमें से इंडिया का नाइबर कौन है। ज्यादातर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे गए हैं उसमें ये लग रहा है कि वो डायरेक्शन का पूछ रही है। यानी कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के किस डायरेक्शन में पड़ता है, पाकिस्तान किस डायरेक्शन में पड़ता है, चाइना किस डायरेक्शन में पड़ता है, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है ये ईस्टर्न नाइबर है हमारा, वेस्टर्न नाइबर है, नॉर्दर्न नाइबर है, या हमारा साउदर्न नाइबर है। तो आपसे डायरेक्शन पूछे जाते हैं। देख लीजिए एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है ना, ये कहां पे है, दे लाई इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है ना, दे लाई टू द नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट है ना, उसको बॉर्डर करता है कौन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उसको बॉर्डर कौन करता है, शाबाश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे हमारे जो पड़ोसी हैं वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे चाइना की, चाइना किस साइड में पड़ता है, इट लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, इट लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो हमारी नाइबरिंग कंट्रीज है किस डायरेक्शन में पड़ती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। बांग्लादेश किस साइड में पड़ती है, शाबाश, बांग्लादेश जो है ये हमारे ईस्टर्न साइड में पड़ती है, ठीक, इट लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। इस तरीके से भूटान की अगर हम बात करेंगे, भूटान लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है, भूटान लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। नेपाल भी जो है, नेपाल ऑल्सो लाइज ऑन नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है, These countries lie on the north eastern side of India. बांग्लादेश कहां पे है, ईस्टर्न साइड पे। श्रीलंका की अगर मैं बात करूंगा, श्रीलंका जो है इट लाइज ऑन द साउदर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है, इट लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, ठीक। मालदीव जो है, मालदीव ऑल्सो लाइज इन द साउदर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद कौन बचता है, म्यांमार, म्यांमार लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है, शाबाश, इनको नोट करो एक एक करके। इसके बाद क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कहां पे पड़ता है, शाबाश, किस साइड में पड़ता है इंडोनेशिया, इट ऑल्सो लाइज इन साउदर्न साइड ऑफ इंडिया। कहां पे है ये, साउदर्न साइड ऑफ इंडिया में है ये, साउदर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है, साउदर्न इंडिया, ठीक, हो गया यहां तक। देख लीजिए, इसमें भी आप और दो पॉइंट्स नोट कीजिए, दो पॉइंट्स आप इसमें और नोट करेंगे। मालदीव जो है ना, मालदीव की एक्यूरेट लोकेशन मैं आपको बता दूंगा, वहां पे देख लीजिए आप उस डायग्राम में मालदीव की एक्यूरेट लोकेशन। मालदीव जो है ना, इट लाइज टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप के साउदर्न साइड पे, लक्षद्वीप के का जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे आप देख सकते हो मालदीव है। मालदीव कहां पे है, इट लाइज ऑन द साउदर्न साइड ऑफ लक्षद्वीप, याद आप रखोगे, ठीक है, इट लाइज ऑन द साउदर्न साइड ऑफ लक्षद्वीप। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया जो है इट लाइज ऑन द साउदर्न साइड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, हमारे जो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड से उसके साउदर्न साइड पे, उसके साउदर्न यानी कि अंडमान एंड निकोबार के जो साउदर्न नाइबर्स हैं, हमारे जो इंडिया के साउदर्न नाइबर्स हैं वो कौन है? शाबाश, वो है हमारा इंडोनेशिया भी है और श्रीलंका भी है और आपका मालदीव भी इसी में आता है। ठीक है, दीज आर आवर साउदर्न नाइबर्स। हमारे ईस्टर्न नाइबर्स कौन से हैं? बांग्लादेश। नॉर्थ ईस्टर्न नाइबर्स कौन से? भूटान और नेपाल। और कौन सा है? चाइना। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में कौन पड़ते हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब और एक पॉइंट यहाँ पे, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ऐड करोगे, देख लीजिए ये जितने भी मैंने इन कंट्रीज का नाम लिया, नाइबरिंग कंट्रीज का, आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए इनमें से आइलैंड कंट्री कौन है? इनमें से आइलैंड कंट्री कौन है, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको हर एक साइड पे वाटर ने घेरा है। ठीक है, यानी कि जो समंदर के बीच में है। ठीक है, दैट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ए सी और दैट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एन ओशन। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ऐसे हमारे कौन कौन सी नाइबरिंग कंट्रीज हैं जो आइलैंड कंट्रीज हैं। याद रखना, जो आपका मालदीव्स है ना, मालदीव्स जो है दैट लाइज ऑन द साउदर्न साइड ऑफ लक्षद्वीप, वो भी एक आइलैंड कंट्री है। और हमारा जो श्रीलंका है ना, जो कहां पे है, जो इंडियन ओशन में पड़ता है, ठीक है, जो हमारे साउदर्न एक नाइबर है, वो भी एक आइलैंड कंट्री है। इसके बाद इसमें और कौन सा है? शाबाश, इंडोनेशिया आप याद रखोगे, जो कहां पे पड़ता है, जो साउदर्न साइड ऑफ अंडमान एंड निकोबार पे पड़ता है, वो भी एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, इंडोनेशिया, मालदीव्स और आप याद रखोगे इसमें कौन, श्रीलंका जो है, ये आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूं। ठीक है, देखिए आप, कल मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको दिखाई थी वो लैटिट्यूड्स, मैंने आपको दिखाई थी, याद है आपको, जो ग्लोब पे रन करते हैं क्या, शाबाश, हॉरिजॉन्टली, उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स में मैंने आपको दिखाया था 0 डिग्री का एक लैटिट्यूड, उस 0 डिग्री, वो जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। उसी तरीके से मैंने वहां पे आपको और एक लैटिट्यूड दिखाया था जिसका वैल्यू क्या था, शाबाश, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। मैंने फिर आपको वहां पे बोला था कि ये जो 23 डिग्री 30 मिनट है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 30 मिनट है ना, इसको हम 0.5 डिग्री लिखते हैं। ठीक, अब देख लीजिए, ये जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ का लैटिट्यूड है, मैंने आपको बोला था ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारे भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इट डिवाइड्स आवर कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये हमारी कंट्री के सेंटर से गुजरती है, कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इस ग्लोब में भी आप देख सकते हो, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था, जो आईएसटी है, जो 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, जो हमारा आईएसटी है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मीडियन है, जो हमारा टाइम डिक्टेट करता है, वो 5 स्टेट्स से पास होता है ना। मैंने आपको उन स्टेट्स का नाम भी बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था यूपी, मिर्जापुर से वो पास होती है, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से वो पास होती है। ठीक, अब इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए, पहला क्वेश्चन वहां पे आपको ये पूछा जाता है कि ये बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने स्टेट से पास होता है, इंडिया के कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए 8 स्टेट से। ठीक है, इंडिया के कितने स्टेट से, इंडिया के कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? शाबाश, 8 स्टेट से। ठीक है, इंडिया के कितने स्टेट से, इंडिया के कितने स्टेट से आईएसटी पास होती है? शाबाश, 5 स्टेट से। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से, आईएसटी का डिग्री क्या होता है? शाबाश, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या होता है? ये होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये क्या है? एक लैटिट्यूड है। ठीक है, कितने स्टेट से पास होती है? 8 स्टेट से। अब देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए किस किस स्टेट से पास होता है। या आपको दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। या आपको सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच स्टेट। ठीक है, नीचे तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन एक ही होगा। लेकिन आपको 8 जो स्टेट्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहले आपका गुजरात आता है। गुजरात से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं आपको वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और ईस्टर्न पॉइंट तक ले जाऊंगा। हम देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट जितने भी स्टेट्स आते हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, गुजरात से जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न एक स्टेट है, गुजरात से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राजस्थान से पास होती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, वेस्ट बंगाल से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, त्रिपुरा से, झारखंड से और मिजोरम से क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो आपने क्या याद रखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, ये ऐसे 8 स्टेट से जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखना, मिराज JCB@GMT, ठीक है, मिराज JCB@GMT एक ट्रिक है। इसका मतलब क्या है, देख लीजिए, ये जो MI है ना, MI स्टैंड्स फॉर मिजोरम, ठीक है, MI मीनस मिजोरम, ये जो RA है ना, RA मीनस राजस्थान, ठीक है, RA मीनस राजस्थान, J मीनस झारखंड, ठीक, एंड C मीनस छत्तीसगढ़, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं ये ट्रिक आपको बताऊंगा। B स्टैंड्स फॉर बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल। इसके बाद क्या इसमें है, शाबाश, हाँ, G स्टैंड्स फॉर गुजरात, M स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश, T स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा, ठीक है। दिस इज मिराज JCB@GMT। शाबाश, ट्रिक तो आपको पीडीएफ में शायद नहीं मिलेगी, लेकिन उसको आप नोट करोगे जल्दी। शाबाश, ट्रिक को नोट कीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, पिछली बार जो लद्दाख का पेपर हुआ था, लद्दाख का जो पेपर हुआ था, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था वो, है ना, ग्रेजुएट लेवल का, शायद PAA का पेपर था वो, मैंने देखा था एक पेपर उनका लद्दाख का। वहां पे पूछा गया था कि ये बताइए इनमें से ऐसी कौन सी सिटी है, वहां पे बहुत सारी इंडिया की बहुत सारी सिटीज, 4 सिटीज का नाम दिया गया था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन वहां पे एक ही था। वहां पे पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी सिटी है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। वहां पे सिटी का नाम पूछा गया था, वहां पे स्टेट का नाम नहीं पूछा गया था। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है, आप इनके ये जो शहर है ना जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं, उनका नाम भी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, जिस तरीके से कल कहां पे, जिस तरीके से पिछली बार कहां पे पूछा गया था, लद्दाख में, ठीक है। तो चलिए देखिए, गुजरात की किस सिटी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जसदन, याद रखना, जसदन से, गुजरात का जो जसदन सिटी है, वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। राजस्थान का जो कलिंजर है ना, कलिंजर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। मध्य प्रदेश के किस सिटी से पास होती है, शाबाश, शाजापुर सिटी से ये पास होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सोनहट सिटी से ये पास होती है, ठीक। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल के कृष्णा नगर जिले से ये पास होती है, ठीक है। त्रिपुरा के उदयपुर सिटी से ये पास होती है। झारखंड के लोहरदगा जिले से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास होती है। मिजोरम की चंपाई सिटी से ये पास होती है। देख लीजिए, मैं आपको फिर से बताता हूं, गुजरात के जसदन से, राजस्थान के कलिंजर से, मध्य प्रदेश के शाजापुर से और छत्तीसगढ़ के सोनहट से, वेस्ट बंगाल के कृष्णानगर से, त्रिपुरा के उदयपुर से, झारखंड का जो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट है वहां से होता है, मिजोरम का जो चंपाई सिटी है वहां से ये क्या होती है, पास होती है कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सिटीज का नाम भी आपको याद रखना है, जसदन, कलिंजर, शाजापुर, सोनहट, कृष्णानगर, उदयपुर, लोहरदगा और चंपाई, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, आज ही मैं आपको पीडीएफ भी यहां पे अपलोड करके रखूंगा, ठीक है। तो देखिए, कल जिस वक्त हमने पढ़े थे ना वो लैटिट्यूड्स ऑफ इंडिया एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया, मैंने आपको वहां पे बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो मेनलैंड से नीचे जाती है, ठीक है, यानी कि मेनलैंड जो हमारा है उससे भी आगे हमारा कब्जा कहां पे है, हमारे इंडियन ओशन में, ठीक है, बोला था ना, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर फिर से दोबारा देख सकते हो, ठीक है। देख लीजिए, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि पहले हम देखेंगे इंडिया के लैटिट्यूड, फिर से मैं आपको यहां पे लिखूंगा इंडिया की जो लैटिट्यूड है, ये इंडिया के लैटिट्यूड से, और यहां पर मैं लिखूंगा इंडिया के लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये इंडिया के लॉन्गिट्यूड से, ये इंडिया के लैटिट्यूड से। देख लीजिए, मैंने आपको बोला था, इस डायग्राम में भी आप फिर से देख लीजिए, इस डायग्राम में आप देख लीजिए, मैंने आपको बोला था इस तरीके से जो 8°4' नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वहां से हमारा इंडिया जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां से हमारा इंडिया, यानी कि इस तरीके से ना इंडिया, यहाँ पे मैंने आपको बोला था बहुत सारे लैटिट्यूड्स मैंने ऐसे ड्रा किए थे, जो 8°4' का लैटिट्यूड है वहां से हमारा इंडिया स्टार्ट होता था, ठीक है। और फिर ऐसे यहाँ पे है और यहाँ पे ये फिर ऐसे है कुछ, ठीक है, ऐसे है, ग्राफली मैं फिलहाल एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा 37°, अच्छे से समझना, देख लीजिए, अच्छे से समझना, 37°6' नॉर्थ पे ये एंड होता है, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। देख लीजिए क्वेश्चन अगर आपको आएगा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन है, वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब इसी तरीके से मैंने फिर आपको क्या बोला था, मैंने फिर आपको लिखाए थे ये लॉन्गिट्यूड्स, हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, वो ऐसे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे वो क्या होते हैं, एंड होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के बीच में हमारा इंडिया है, आप देख सकते हो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स है। फिर ये जो है ना, मैंने आपको बोला था, ये जो मैंने डायग्राम बनाई ना, ये हमारा मेनलैंड है। क्या हमारा है, शाबाश, ये हमारा मेनलैंड है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है, जिनके इर्द गिर्द, ठीक है, जिनके हर एक साइड पे हमें वाटर देखने को मिलता है, समंदरों का पानी देखने को मिलता है। ठीक, अब छोड़िए फिलहाल आप इस, ठीक है, यहाँ पे ये है ना, ये क्या आपके बोर्ड ने कन्याकुमारी, इट्स द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। ठीक है, मैंने आपको बोला था। उसके बाद मैंने आपको वहां पे बोला था कि हमारी जो टेरिटरी है ना, वो यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है, यानी कि इंडिया जो है ना, वो यहां से लेकर यहां तक नहीं है, नहीं, वो यहां से लेकर यहां तक नहीं है। इसके अलावा हमारा कब्जा यहाँ पे भी है, बे ऑफ बंगाल में है ना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ना, हमारा कब्जा बे ऑफ बंगाल में भी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे जो अरबियन सी है ना, अरबियन सी में भी हमारा क्या है, कब्जा है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे अरबियन सी में हमारे लक्षद्वीप के आइलैंड्स है, बोला था मैंने। अब इसके अलावा यहाँ पे ही सिर्फ हमारा, यहाँ पे तो फिर श्रीलंका है, हाँ यहाँ पे श्रीलंका है, मानता हूं मैं, लेकिन इसके अलावा ये जो इंडियन ओशन आपको यहाँ पे देखता है ना, इंडियन ओशन में भी हमारा कब्जा है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको वहां पे बताया था कि इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, ये जो है मेनलैंड का अगर आपको पूछा जाएगा तो कैप्टमोरिन या कन्याकुमारी आप लिखोगे। अगर आपको पूछा जाएगा ना इंदिरा, सॉरी, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा पॉइंट कहां पे है, वो है हमारे इंडियन ओशन में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे इंडियन ओशन में वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे, तो इसका मतलब है इंडिया जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे एंड होता है। इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडिया का जो कब्जा है, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ इंडियन ओशन में वो एंड होता है। ठीक है, कहां पे एंड होता है, इंडियन ओशन में। अब आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हो मैंने आपको वहां पे क्या बोला था, इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। लेकिन अब आप देख सकते हो हमारी जो टेरिटरी है वो इससे भी नीचे जा रही है। ठीक है, वो इससे भी आगे बढ़ रही है। ठीक है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है इससे भी आगे बढ़ रही है। असल में ये जो मैंने आपको लैटिट्यूड दिखाए ना, ये मेनलैंड के लैटिट्यूड्स हैं। किसके हैं, आप देख सकते हो, ये हमारा मेनलैंड है ना, ये मेनलैंड के लैटिट्यूड्स है। अगर हम मोर प्रिसाइजली देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, हमारे जो असल में लैटिट्यूड्स है ना, वो पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से, यानी कि यहां से, यानी कि वो 6 डिग्री से ही स्टार्ट होता है। कहां से, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से वो स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे 8 है ना, 8 के बाद क्या है, यहाँ पे आएगा 7 डिग्री का, 7 डिग्री के नीचे कौन सा आएगा, 6 डिग्री का, 6 डिग्री के ऊपर थोड़ा हम आएंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से ही असल में हमारा जो लैटिट्यूड है वो स्टार्ट होता है। यानी कि अब आप कह सकते हो, अब आप दावे के साथ कह सकते हो, क्योंकि अब आपने समझ लिया ना, यहाँ पे हमारा इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट यही पे हमारा है ना, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन ओशन में, तो यहां से हमारा क्या होता है, लैटिट्यूड शुरू होता है। अब आप कह सकते हो कि हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं असल में, अगर हम प्रिसाइजली, मोर प्रिसाइजली देखेंगे, हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं ना, वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, और अब ये जो हम लिख रहे हैं ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारे मेनलैंड के लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, ज्यादातर जो है ना वो मेनलैंड का ही पूछा जाता है, इसका नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स और एसएससी के एग्जाम्स है ना, वहां पे ये पूछा जाता है कि असल में जो हमारा लैटिट्यूड है वो कहां से स्टार्ट होता है। आपका आंसर में चाहिए 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब देख लीजिए फ्रॉम द मेनलैंड, यहाँ पे क्या लिखा गया है, फ्रॉम द मेनलैंड, मेनलैंड कौन है हमारा, ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको रब करूंगा, आपको समझ में आया ना, समझ में आया ना, देख लीजिए इसको मैं फिलहाल रब आप करता हूं। ठीक है, हमारा मेनलैंड कहां पे एंड होता है, यहाँ पे कैप्टमून कन्याकुमारी में है ना। फ्रॉम द मेनलैंड क्या कहा गया, मेनलैंड से आगे इंडिया टेरिटरी लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि इस मेनलैंड से भी आगे फिर हमारी टेरिटरी जो है इंदिरा पॉइंट तक है, वो फर्दर एक्सटेंड हो रही है कहां तक, इंदिरा पॉइंट तक। मेनलैंड से लेकर इंदिरा पॉइंट तक फिर से हमारी टेरिटरी जो है वो एक्सटेंड होती है, आप जैसे यहां पे देख रहे हो। ठीक है। पहले आप बोल रहे थे कि सर कैमोरियन साउदर्न मोस्ट पॉइंट, अब आप देख रहे नहीं इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, कहां पे है हमारे इंडियन ओशन में। लेकिन यहां से लेकर कैप कैमोरियन से लेकर इस इंदिरा पॉइंट तक, हमारे साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। मेनलैंड से आगे इंडिया की जो टेरिटरी है वो कितनी एक्सटेंड होती है। मेनलैंड से आगे इंडिया का जो कब्जा है इंडियन ओशन में वो कितने किलोमीटर्स तक है। वो 21.9 नॉटिकल माइल्स है। कितना? 21.9 नॉटिकल माइल्स, आप याद रखना, ठीक है, 21.9 नॉटिकल माइल्स। अब देख लीजिए, लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया आर रफली 30 डिग्री, ठीक है। देखिए आप फिर से, शाबाश, आराम से पढ़ेंगे, अगर एक दो मिनट अलावा ही लगेंगे ना, एक्स्ट्रा ही लगेंगे ना वीडियो में, लेकिन आराम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे वो चीज पसंद नहीं है आप जल्दबाजी करोगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, वो बोलेंगे अरे यार सर क्यों तेज नहीं जा रहा है। कुछ वैसे बच्चे बहुत वीक होंगे, वो बोलेंगे अरे सर तेज क्यों जा रहा है, ठीक है। इसलिए मुझे जो है ना, मुझे लेवल मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए सॉरी कहना चाहूंगा अगर कोई यहाँ पे तंग आता है हमारी वजह से तो, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी आप जरूर अपनी सजेशन वगैरह देना, ठीक है। स्पीड कैसे रखनी है, ज्यादा रखनी है, कम रखनी है, वो चीज भी बता सकते हो। देख लीजिए, ये है हमारे क्या है लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स में फिर से यहां पे लिखता हूं ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये यहाँ पे क्या बता रहा है, लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया आर रफली 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नियरली 30 लैटिट्यूड्स जो है, नियरली 30 लैटिट्यूड्स, अप्रॉक्सीमेटली 30 लैटिट्यूड जो है वो इंडिया से पास होते हैं। और नियरली यहां हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली 30 लैटिट्यूड जो है, 30 लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया से पास होते हैं। यानी कि कितने लैटिट्यूड्स इंडिया से पास होते हैं 30, कितने लॉन्गिट्यूड्स इंडिया से पास होते हैं 30। देखिए कैसे, यहां पे आप देख लीजिए ये कितने हैं 37, ये कितने हैं 8। तो आप अब चेक कर सकते हो, 8 37 माइनस 8 कीजिए, कितना आता है, शाबाश 929, है ना, नियर इक्वल टू 30। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने ये इसको सब्ट्रैक्ट किया, मैं दिखाऊंगा आपको, आप घबराइए मत। यह ना 97, यह 68, इसको मैं क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट, 7 8 9, यहाँ पे अर्थ में कितना है 29, ये भी ठीक है। और ये कुछ पॉइंट भी आएंगे, पॉइंट भी इसके साथ एड वगैरह हो जाएगी ना, तो इट्स नियरली इक्वल टू 30, ठीक है, इट्स नियरली इक्वल टू 30, ठीक, आप देख सकते हो। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 लैटिट्यूड जो है वो इंडिया से पास होते हैं। कितने लैटिट्यूड्स इंडिया से पास होते हैं, शाबाश, कितने लैटिट्यूड्स इंडिया से पास होते हैं, ऐसे 8 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जब तक क्या पूछेगा 37 डिग्री 6 मिनट। तो बीच में कितने लैटिट्यूड्स इंडिया से पास होते हैं 30 लैटिट्यूड्स। इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स की मैं अगर बात करूंगा, यहाँ पे 68 डिग्री है ना 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 तक, 6 ये है ना 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जब तक आपका क्या आएगा 68 69 70 71 72 73 जब तक आपका 97 पूछेगा ना, तो 30 लैटिट्यूड्स बीच में आपको देखने को मिलेंगे जो इंडिया से पास होते हैं। सिंपल है ये, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया हैज रफली 30 डिग्री, ठीक है। अगर यहां तक समझ में, अभी आपको क्या बता रहा था कि हमारे इंडिया से 30 लैटिट्यूड्स पास होते हैं और 30 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं। एक बात आप याद रखोगे, सबसे पहली बात, ग्लोब पे आपने देखे होंगे ना ये जो हॉरिजॉन्टली लाइंस रन करते हैं ना, जिनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ये जो दो लैटिट्यूड की लाइंस है ना, ये जो दो लैटिट्यूड की लाइंस है, आपको इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, जितना डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ना, उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ दो लाइंस के बीच में देखने को मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट, जो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हर जगह पे ग्लोब पे आपको सेम दिखेगा, ठीक, पहली बात। यानी कि हर जगह पे दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगा, ठीक। अब उसके बाद अगर हम अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की, जो ऐसे रन करते हैं, जो ऐसे रन करते हैं, ठीक, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल, जो ऐसे वर्टिकली रन करते हैं, ठीक, इसमें आपको क्या दिखने को मिलेगा, जितना आप पोल्स की ओर जाओगे ना, यानी कि इन एंड पॉइंट्स की ओर जाओगे ना, उतना ये जो दो लाइन्स है ना, इन दो लाइन्स का जो बीच का डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है ना, वो कम होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 4 ही होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 2 होगी। जितना आप पोल्स की ओर जाओगे उतना उन लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कम होती जाएगी, ठीक। और दूसरी बात, लैटिट्यूड्स की वजह से, लैटिट्यूड्स की वजह से क्या, लैटिट्यूड्स की वजह से टाइम पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। जो कंट्री का टाइम होता है ना, लैटिट्यूड्स की वजह से कोई भी टाइम पे असर नहीं पड़ता है, ठीक। क्यों? क्योंकि जो किसी भी प्लेस का टाइम, किसी भी कंट्री का टाइम, किसी भी कंटिनेंट का टाइम जो है ना वो पता है कौन आपको शो करता है, वो लॉन्गिट्यूड शो करता है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो है ना वही डिक्टेट करते हैं टाइम। लैटिट्यूड जो है ना, लैटिट्यूड्स को टाइम के साथ कोई टच नहीं है। लॉन्गिट्यूड जो है ना, लॉन्गिट्यूड्स ही जो ऐसे रन करते हैं ना ये वाली लाइंस, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स ही किसी भी प्लेस का जो टाइम है वो डिक्टेट करते हैं, याद रखना। तो इसका मतलब है लैटिट्यूड्स की वजह से टाइम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप कितना ऊपर जाओ कितना नीचे आओ, लॉन्गिट्यूड्स की वजह से टाइम पे असर पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जितना आप यहां जाओगे उतना आपको टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा, जितना आप यहां जाओगे उतना आपको टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। लैटिट्यूड्स पे जितना आप ऊपर नीचे जाओ कोई टाइम का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया ना ये, आप देख लीजिए, अगर आपने ये समझा ना तो आपने ये वाला भी समझ लिया, मान लीजिए। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा गया है, द वेरिएशन ऑफ 30 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कॉजेस ए टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स। क्या लिखा गया है इसमें, जो इंडिया से जो 30 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं ना, इन 30 लॉन्गिट्यूड्स की वजह से टाइम पे असर पड़ता है। क्या पड़ता है? टाइम पे असर पड़ता है। ये जो लैटिट्यूड्स यहां से पास होते हैं, लैटिट्यूड्स की वजह से टाइम पे असर नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले ही बोला। देख लीजिए, ये जो 30 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं इंडिया से, इसकी वजह से हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है ना वो 2 घंटों का आता है। कितना आता है? 2 घंटों का आता है। शायद आपने मेरी बात नहीं समझ ली, अगर समझ ली ठीक, अगर नहीं समझ ली दोबारा मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको बता रहा हूं जो ये 30 डिग्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि जो 30 लॉन्गिट्यूड्स हमारे इंडिया से क्रॉस होते हैं ना, इसकी वजह से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, इसमें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में 2 घंटों का टाइम जो है ना वो डिफरेंस है, 2 घंटों के टाइम का डिफरेंस है। अब मैं आपको बताऊं, देख लीजिए, यानी कि इससे पहले भी मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पे जितना टाइम होगा ना, यहां के टाइम और यहां के टाइम में जो डिफरेंस है वो भी देखने को मिलेगी। यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे ना, यहां पे भी टाइम का डिफरेंस आएगा आपको, यहां से लेकर यहां तक, यहां पे भी आपको टाइम का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि जितना आप लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करोगे ना, जितने लॉन्गिट्यूड्स को आप क्रॉस करोगे ना, उतना आपको टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। देख लीजिए अब मैं आपको कैसे समझाता हूं ये। अब याद रखना जो 2 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, 2 लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, एक लॉन्गिट्यूड ये है और दूसरा लॉन्गिट्यूड ये है, ठीक। इन दो लॉन्गिट्यूड्स का जो टाइम डिफरेंस होगा ना वो होता है 4 मिनट का। कितना होता है? 4 मिनट का। यानी कि 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो टाइम डिफरेंस है ना वो 4 मिनट का है। ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये दूसरा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो यहां पे जो टाइम होगा और यहां पे जो टाइम होगा, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो 4 मिनट का होगा। कितना होगा? 4 मिनट का होगा। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अगर सन यहां से राइज होता है ना, ईस्ट से, अगर यहां पे इस वक्त 12 बज गए तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ना यहां पे इस वक्त 12 बजकर 4 मिनट होंगे। कितना होगा? 12 बजकर 4 मिनट होगा, ठीक। यानी कि 4 मिनटों का डिफरेंस होगा। इसी तरीके से इस वाले और इस वाले में कितना डिफरेंस होगा? शाबाश, 4 मिनट का। इसी तरीके से मैं अगर और भी आगे आऊंगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, कितना टाइम डिफरेंस होगा? 4 मिनट का। यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम डिफरेंस होगा? 4 मिनट का। अब इंडिया से टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं? 30 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं। तो हर एक लॉन्गिट्यूड का जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 4 मिनट का। तो वो कितना आता है? 120 का। यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से 30 लॉन्गिट्यूड जो पास होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि हर एक के बाद में कितना टाइम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा? हर एक लॉन्गिट्यूड के बाद आपको कितना टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा? 4 मिनटों का। तो इसको हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मिनट्स का आपको टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, देख लीजिए, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 30 टाइम्स आप प्लस फोर करोगे 120 वो आएगा। कितना आएगा? 120 मिनट्स वो आएगा, ठीक है। 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट जब आप 30 बार गिन लोगे ना वो 120 मिनट्स आएगा। इसका मतलब है 120 मिनट का मतलब है 2 आवर्स। कितना मतलब है इसका? 2 आवर्स। तो इसका मतलब है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 2 घंटों का होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने आपको अच्छी से समझाया, आप एक बार फिर से मतलब थोड़ा सा पीछे जाइए, लेक्चर देख लीजिए पीछे से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप सो आपको यहां तक समझ में वैसे आएगा, क्योंकि एक सैंपल चीज थी। ठीक है, 2 घंटों का टाइम डिफरेंस है। ये 2 घंटों का टाइम डिफरेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो लिखा गया है ना, वहां यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटों का आता है। इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी में जो ये पॉइंट लिखा है इसका मतलब है क्या, देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त मान लीजिए मैं प्रेजेंटली यहाँ पे हूं, इस वक्त अगर यहाँ पे सनराइज होगा, क्या होगा? इस वक्त यहाँ पे सनराइज होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अरुणाचल प्रदेश है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? किबिथू में इस वक्त सनराइज हुआ, ठीक। और ये जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे गवहर मोटा है ना, तो अगर यहाँ पे इस वक्त सनराइज होता है, इस वक्त यहाँ पे सनराइज होगा, तो इसका मतलब है गवहर मोटा जो है ना, गवहर मोटा गुजरात में या जैसलमेर जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पे 2 घंटे के बाद सनराइज होगा। यहाँ पे इस वक्त सनराइज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है जो गवहर मोटा है ना, वहां का और यहाँ का टाइम डिफरेंस 2 घंटे है ना, तो वहां पे 2 घंटों के बाद जो है सनराइज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर इस वक्त यहाँ पे सनराइज हुआ, मान लीजिए इस वक्त हो गया सनराइज, ठीक है, अब गवहर मोटा और यहाँ जो किबिथू है, यहाँ का टाइम डिफरेंस कितना है? शाबाश, 2 घंटों का है। तो इसका मतलब है गवहर मोटा जो है ना, गवहर मोटा में 2 घंटे के बाद सनराइज होगा। आ गया ना समझ में? तो अब एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है और मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे खुद हो, आप इस वक्त यहाँ पे किबिथू में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, और आपका कोई डैडी कोई मम्मी वगैरह जो है वो कहाँ पे है? वो गुजरात में। अगर आप उसको कॉल करोगे, ठीक है, इसी वक्त उसको मतलब आप कॉल करोगे, चाहे देश के किसी भी जगह पे हो, ठीक है, आपका माँ, आपकी माँ, आपका बाप, आपका कोई भी रिलेटिव किसी देश के किसी भी कोने में हो, अगर आप उसको कॉल करोगे, मैं एक सिंपल एग्जांपल फिलहाल लूंगा, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है ना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में 2 घंटों का डिफरेंस है, तो मैं आपको अब यही पहले एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे आप खुद बैठे हो, ठीक है, ये यू, दिस इज यहाँ पे योर मदर हम कहेंगे, ठीक है, आपकी माँ यहाँ पे, ठीक है, मम्मी है यहाँ पे आपकी। अगर आप मम्मी को कॉल करोगे, यहाँ पे आप अपनी वॉच पे जो टाइम देख रहे हो वो 4:30 दिखा रही है, ठीक, और यहाँ पे आपकी मम्मी है, आप अपनी मम्मी को कॉल कर रहे हो, आपको पता है कि सर ने हमें पढ़ाया है कि 2 घंटों का टाइम डिफरेंस होता है। कितना होता है? 2 घंटों का टाइम डिफरेंस होता है, ठीक। तो आप जब अपनी मम्मी को कॉल कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि वहां पे गुजरात गवहर मोटा में इस वक्त मम्मी टाइम क्या हो रहा है, वो आपको बता रही है कि यहाँ पे भी बेटा 4:30 ही हो रही है, ठीक है, मेरी घड़ी जो है, मेरी जो वॉच है वो भी 4:30 ही दिखा रही है। ओ यार, यहाँ पे तो हमने देखा तो 2 घंटों का टाइम डिफरेंस है, तो फिर सर ने हमें गलत मत पढ़ा? नहीं, मैंने गलत नहीं पढ़ाया। देख लीजिए एक्चुअली क्या होता है। अब जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह है ना, उन्होंने क्या किया है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हमारे इंडिया के सेंटर से एक लॉन्गिट्यूड गुजरती है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का एक लॉन्गिट्यूड गुजरता है इंडिया के सेंटर से, वो इंडिया के पांच स्टेट से वो क्या होती है, पास होती है, ठीक, यही बोला था ना मैंने। अब जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट है ना, उन्होंने बोला अगर ऐसा होगा, देख लीजिए, अगर मतलब ऐसा होगा कि यहाँ पे तो सच में तो 2 घंटों का टाइम डिफरेंस है, यहाँ पे इस वक्त 4:30 बज रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे तो इस वक्त क्या होगा, 2:30 होगा, ठीक है, यहाँ पे 4:30, यहाँ पे 2:30 होगा। अगर यहाँ पे 1 बज रहे हैं तो यहाँ पे इस वक्त कितने बज गए, 11 ही बजे हुए होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा हमारे देश के नागरिकों में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ये जो हमारे इंडिया के सेंटर से जो लाइन गुजरती है वहां पे वो जो हमें टाइम दिखाएगी, ये जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो टाइम होगा, ठीक है, इसके सेंटर से जो ये गुजरती है ना, इस लाइन पे जो टाइम होगा वही टाइम हम मानेंगे हर एक स्टेट में, ठीक है। हर एक स्टेट का जो सिटीजन है, इंडिया का, वो किस टाइम, वो जो अपनी वॉच है ना, वो उसकी जो वॉच होगी वो उसको टाइम सेट करेगा किसके मुताबिक, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट दिखाएगी, ठीक है। तो अगर ये इस वक्त 4:30 दिखा रही है ना, तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पे बैठा है ना किबिथू में, इसको भी अपनी वॉच जल्दी चेंज करनी है, ठीक है, वो तो हम पहले से करते हैं, इसलिए आप देखते हो जब आप वॉच लाते हो ना बाजार से, तो वो जो है ना वहां पे उसमें करेक्ट टाइम वो नहीं होता है, फिर हम उसको सेट करते हैं करेक्ट टाइम, ठीक है। इसी तरीके से, इसीलिए यहाँ पे जो आपके फोन होते हैं वो आप तो आज सैटेलाइट का टाइम दिखा रहे हैं ऑटोमेटिकली, जो आपके न्यूज चैनल होते हैं वहां पे भी ऑटोमेटिकली टाइम आता है ना, लेकिन वो जो टाइम है ना वो डिक्टेट कौन करता है, वो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट डिक्टेट करता है। ये जो 5 स्टेट्स मैंने आपको बोले थे ना, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ वगैरह, यहां से क्या होता है हमारा ये आईएसटी पास होता है। हर एक स्टेट में उन 5 के 5 स्टेट में क्या रखा गया है, क्लॉक टावर, ताकि ये वाला जो क्लॉक टावर है ये डिक्टेट करेगा टाइम, ताकि इनको भी पता चलेगा इनको भी पता चलेगा। यहाँ पे और एक क्लॉक टावर है, वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वगैरह ये जो इसके नाइबिंग स्टेट्स होंगे वो उनको टाइम डिक्टेट करेगा। इस तरीके से यहाँ पे मिर्जापुर में जो है वो टाइम डिक्टेट करता है। ठीक है, ये जो क्लॉक टावर्स यहाँ पे रखे गए ना, इसकी वजह से हमारा जो टाइम है ना वो मतलब वो सेट करते हैं। ठीक है, पूरे देश का टाइम जो है वो सेट करते हैं, लेकिन कौन सा लॉन्गिट्यूड है ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो 5 स्टेट से पास होता है। तो इसीलिए हर एक वॉच जो है हर एक मोबाइल फोन जो है वो टाइम जो है सेम दिखा रहा है, चाहे वो आप यहाँ पे बैठो, चाहे वो आप यहाँ पे बैठिए, चाहे आप यहाँ पे बैठिए, आपका जो टाइम है ना वो सेम आएगा। लेकिन इतना है कि यहाँ पे अगर 2 बजे फॉर एग्जाम्पल, 2 बजे नहीं, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 5 बजे सनराइज हो रहा है तो यहाँ पे 7 बजे सनराइज होगा, ऐसा हो। ठीक है, लेकिन लोकल टाइम जो है ना, लोकल टाइम का डिफरेंस है, लेकिन वॉच का जो टाइम है ना वो सेम ही होगा हर एक जगह पे। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप कॉल क्यों नहीं करते हो? अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ में नहीं आया, देख लीजिए मैं ये सोचता हूँ फिर कि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा होगा, मैं अभी यहाँ पे और 1 घंटे तक मैं आपको यहाँ पे बैठूंगा, बताऊंगा कैसे 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 और भी डेप्थ में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी प्रॉब्लम समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो फिर बोलते हैं सर आप बहुत लंबे ड्यूरेशन का वीडियो बना रहे हो, ना ही मैं मतलब वो कर सकता हूँ, ना ही मैं ये कर सकता हूँ। आप समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम। अगर अब आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना, प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं वो सर नहीं हूँ जो कॉल नहीं उठाएगा, बोल रहा है कि मैं बिजी हूँ। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइम डिफरेंस तो हो गया। ये आप देख लीजिए इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे मेघालय, मिजोरम वगैरह, त्रिपुरा, आसाम जो अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे क्या होता है सनराइज जो है वो 2 घंटे पहले होता है। कहां से? देन जैसलमेर राजस्थान गवहर मोटा से। यानी कि ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना और ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, मैंने अभी आपको बोला 2 घंटों का टाइम डिफरेंस है। यानी कि अगर यहाँ पे इस वक्त सनराइज होगा, 2 घंटे के बाद जाके फिर यहाँ पे सनराइज होगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या है इंडिया नॉर्दर्न पार्ट लाई इन, हाँ ये अभी मैं आपको छोड़िए, यहाँ पे मुझे आपको वो 2 चीजें समझानी है। मुझे आपको देख लीजिए, ध्यान रखना प्लीज। देख लीजिए मैंने आपको बोला था ना यहाँ से सेंटर से क्या गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न सॉरी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे। देख लीजिए ये जो इंद्राकाल है ना, इंद्राकाल जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इंद्राकाल से लेकर यहां तक मेनलैंड की मैं फिलहाल बात करूंगा, फिलहाल मैं मेनलैंड की ही बात करूंगा। ठीक है, इंद्राकाल से लेकर यहाँ आपके कैप के मुन कन्याकुमारी तक, आपको पता है क्या हमारे इंडिया का डिस्टेंस कितना है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ हमारे इंडिया का डिस्टेंस कितना है? पता है आपको? शाबाश, 3214 किलोमीटर नोट करो। कितना है? 3214 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि इंद्राकाल से लेकर कहां तक, कैप के मुन कन्याकुमारी तक। इसी तरीके से हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना और हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट्स किबिथू से लेकर हमारा जो गवहर मोटा है ना, आपको पता है यहाँ कितना टाइम डिफरेंस है, सॉरी टाइम डिफरेंस नहीं, कितने डिस्टेंस है? वो है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा एक्सटेंट है ना, इसका डिस्टेंस कितना है शाबाश, इसकी लेंथ कितनी है? 2933 किलोमीटर। और यहाँ इंद्राकाल से लेकर कैप के मुन तक कितना है? 3214 किलोमीटर। अब उसके बाद मैंने आपको बोला था 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, तो हम नीचे भी आ सकते हैं इंदिरा पॉइंट तक, लेकिन कैप के मुन से लेकर इंदिरा पॉइंट तक कितने डिस्टेंस है? 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स कितना होता है? 21.9 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो अब आप इसको 20 कितना है, 21.9 आप और ऐड कर सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन आपका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना वो यही है। ठीक हो गया। अब देख लीजिए, अब ये डायग्राम आप देख लीजिए, जल्दी से आप ये डायग्राम देख लीजिए। इसमें आप देख लीजिए डिफरेंट जो पार्ट्स हैं ग्लोब के, कुछ जो रीजन है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, कुछ जो रीजन उसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक, कुछ को हम टेम्परेट बोलते हैं, फ्रिजिड होता है। इसमें बहुत सारे मतलब रीजन होते हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट इस वक्त आपको समझना है, आप ये समझ लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इसमें आप लाइन देख रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो इसके बीच में जो ये आता है ना, इसके बीच में जो ये स्पेस आती है, इसके बीच में जो ये रीजन आता है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं शबाश? ट्रॉपिकल रीजन। इसके ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इक्वेटर भी आएगा। इक्वेटर भी किस में आता है? ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है। ठीक। और इसके बाद आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो रीजन है ना उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इसके नजदीक जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। सिंपली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना भी एरिया चाहे इक्वेटोरियल आएगा और कुछ आएगा उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक। और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो बहुत करीब रीजन है उसको हम बोलते हैं इट इज सब ट्रॉपिकल रीजन। इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बहुत करीब रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। अब देख लीजिए, आपको यहां पे लिखा गया है इंडियास नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन सब ट्रॉपिकल जोन। देखिए आप डायग्राम में, आप ये देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना वो सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। आप देख सकते हो, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं शबाश? जिसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन के अलावा इसको हम बोलते हैं वार्म टेम्परेट जोन भी। ठीक है, क्योंकि आपका एक टेम्परेट जोन भी आता है, वो थोड़ा सा आपस में मर्ज होता है ये वाला जोन। ठीक। तो इसलिए आप याद रखना ट्रॉपिक ऑफ ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, या जिसको हम बोलेंगे वार्म टेम्परेट जोन में पड़ता है। और अब आप साउदर्न पार्ट अगर आप देखोगे वो किस में पड़ता है? वो पड़ता है ट्रॉपिकल जोन में, यानी कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच का जो एरिया है उसमें हमारा साउदर्न इंडिया पड़ता है। हो गया ये भी आगे समझ में? हाँ, समझ में आया ना? चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एशिया कॉन्टिनेंट जो है ना उसकी बहुत सारे कंट्रीज मिला के हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह जो है ना वो पहले इंडिया का एक हिस्सा था, उसी वक्त इसको हम क्या बोलते थे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, लेकिन इससे पहले मैंने जो अभी आपको दिखाई थी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो वो लॉन्गिट्यूड जो डिक्टेट करता है इंडिया का टाइम, इसके साथ साथ आप याद रखना वो श्रीलंका का टाइम भी डिक्टेट करता है। ठीक है, वो श्रीलंका का टाइम भी डिक्टेट करता है। कौन? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का टाइम डिक्टेट करता है, वही लाइन जो है, वही मेरिडियन जो है, वही लॉन्गिट्यूड जो है वो श्रीलंका और नेपाल का टाइम भी डिक्टेट करती है। ठीक है, दैट्स 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। ठीक, हमारा ये यहाँ पे इस वक्त पॉइंट है, देख लीजिए कौन कौन सा आता है। डायग्राम भी देख लीजिए, डायग्राम साथ में देखना। ठीक है, देख लीजिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। लोकेट कीजिए शबाश, मैप पे लोकेट कीजिए। पाकिस्तान देख सकते हो आप, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया जो है ना ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है। ठीक है, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है। इसमें श्रीलंका भी आती है। ठीक है, तो इसमें आइलैंड कंट्रीज भी आते हैं, उसका जरूरी याद नहीं रखना है। ठीक, तो चलिए, लेकिन ये वाली जो है ना आप जरूर याद रखेंगे। बाकी जो मैप पे दिखाए है ना आप उसको भी नोट करो, आप उनको भी नोट कीजिए जो मैप पे लिखे ना। आप ये जो सात है ना, सात के साथ कंट्री जो है इनको आप नोट कीजिए। ठीक, आप देख लीजिए ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये जो पूरा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। ठीक है, ये पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना इसको इट इज बाउंडेड, यानी कि इट इज फ्लैंक्ड, इट इज बॉर्डर्ड बाय पूर्वांचल हिल्स। ये जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना इसको नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे पूर्वांचल हिल्स हैं। क्या है? पूर्वांचल हिल्स, जिनको हम ईस्टर्न हिल्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, जो मेघालय, आसाम वगैरह में फैले हुए हैं। ठीक, तो ऑन नॉर्थ ईस्टर्न साइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय पूर्वांचल हिल्स। इसके बाद पूर्वांचल हिल्स इट्स एक्चुअली ए पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, तो ऑन साउदर्न साइड जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इट इज बॉर्डर्ड बाय इंडियन ओशन, यानी कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसको साउदर्न साइड भी किसने घेर लिया है? इंडियन ओशन ने। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करेंगे, हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे हिंदू कश माउंटेन्स पड़ते हैं। हमारे ये कहाँ पे है? ये इसको क्या बोलते हैं? पाकिस्तान रीजन में। ठीक है, हिंदू कश और सुलेमान भी याद रखना। ठीक है, सुलेमान रेंजेस और हिंदू कश रेंज जो है ना ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं, जो इंडिया को बॉर्डर करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बॉर्डर करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे नॉर्दर्न साइड की, तो नॉर्दर्न साइड पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना इसको किसने घेरा है? शाबाश, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स ने, है ना, इस तरीके से। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे किसने बांधा है, शाबाश, इसको पूर्वांचल हिल्स ने। इसके बाद क्या है, साउदर्न साइड पे इंडियन ओशन ने। और क्या रहता है, शाबाश, नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे कौन है, शाबाश, इसको हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस। और क्या बचता है, शाबाश, साउदर्न साइड पे भी हमने देखा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, बस यही है सब कुछ इसका। ठीक, अब देख लीजिए जो हमारी कंट्री है ना, ये बाकी कंट्रीज, ये अपने नाइबर्स के साथ भी बाउंड्रीज शेयर करती है। ठीक है, ये जिस तरीके से हमारी जमीन होती है ना, आपने देखा होगा, जिस तरीके से हमारी जमीन होती है ना, आपकी जमीन होगी जो आपके बाप को मिली होगी। ठीक है, जो उसको किसने दी होगी, अपने बाप ने दी होगी। तो आपके जो नाइबर्स होते हैं ना, आपके जो नाइबर्स होते हैं, उनकी जमीन के साथ आपकी जमीन जो होती है वो टच करती है, है ना। इसी तरीके से जो हमारा भारत है ना, हमारे भारत की जो लैंड है वो किसके साथ टच करती है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ भी थोड़ा सा करती है। वो ना होने के बराबर होती है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है। ठीक, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका के साथ ही क्या करती है, शाबाश, बाउंड्रीज शेयर करती है। अब देख लीजिए, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बनता है, सबसे पहला जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए सबसे ज्यादा किसके साथ इंडिया अपना बॉर्डर, अपना लैंड बाउंड्री या अपना फ्रोनिटर शेयर करता है। याद है ना आपको कितना है लैंड बाउंड्री हमारा, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कुछ बुक्स लिखी है 15,106 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। ठीक है, दैट इज 15,106 किलोमीटर लिखती है, दैट इज नियरली इक्वल टू 15,200, याद रखना। ठीक, अब देख लीजिए सबसे ज्यादा किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, आपको क्वेश्चन आता तो आपका आंसर में चाहिए बांग्लादेश, लेकिन इसके साथ साथ प्लीज आप वैल्यू याद रखना, 4,096 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश शेयर करती है किसके साथ, शाबाश, इंडिया के साथ। ठीक है, सॉरी, इंडिया जो है ना, इंडिया जो हमारी कंट्री है वो बांग्लादेश के साथ कितना बॉर्डर शेयर करती है, 4,096 किलोमीटर, याद रखना। ठीक, अब जो हमारा इंडिया है वो चाइना के साथ कितना बाउंड्री शेयर करता है, 3,488 किलोमीटर, जो सेकंड नंबर पे आती है। इन दोनों का आप याद रखना। ठीक, और पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक हमारा ऐसा एक खास पड़ोसी मुल्क है। ठीक है, तो 3,323 किलोमीटर इसके साथ शेयर करता है। ठीक, बाकी नेपाल का जरूरी याद नहीं रखना कि कितना बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार का याद नहीं जरूरी है, और भूटान का भी जरूरी नहीं, अफगानिस्तान का जरूरी है, पता है क्यों, ये 106 किलोमीटर, और श्रीलंका का भी जरूरी है क्योंकि एक बार CGL एग्जाम जो है ना आपका, उसमें पूछा गया था कि ये कितना बॉर्डर शेयर करता है श्रीलंका के साथ, तो 0.1 किलोमीटर। फिर से समझा देता हूँ, देख लीजिए, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा जो लैंड बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करती है, सबसे ज्यादा किसके साथ फ्रंटियर शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो कितना करता है, 4,096 किलोमीटर। एक मिनट, ठीक है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर, उसके बाद चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ कितना, 3,323 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल के साथ भी करती है, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ और अफगानिस्तान के साथ कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं, शाबाश, 106 किलोमीटर, याद रखना। और श्रीलंका के साथ 0.1 किलोमीटर, दैट इज विच इक्वल टू 100 मीटर, हम कहेंगे 100 मीटर श्रीलंका के साथ। तमिलनाडु के साइड में क्या करते हैं, शाबाश, शेयर करते हैं बॉर्डर। ठीक है, एक्चुअली तो एक आइलैंड है, ज्यादा बोट इसके साथ शेयर नहीं करते हैं। रामास ब्रिज आपने सुना, अभी मैं आपको फिर से वो बताऊंगा। ठीक, अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन ये इतना ही है, यहाँ पे खत्म नहीं होता है। आपसे पूछा जाता है कि कितने स्टेट्स या कितने यूनियन टेरिटरीज बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, कितने स्टेट्स, कितने यूनियन टेरिटरीज नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट्स, कितने बांग्लादेश के साथ 5 स्टेटस बाउंड्री शेयर करती हैं, कितने 5 स्टेटस बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करती है, वो कौन कौन से हैं, शाबाश, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देख लीजिए, शाबाश, वेस्ट बंगाल, आसाम और कौन सा, शाबाश, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, अब उसके बाद अगर हम चाइना की बात करेंगे, चाइना के साथ जो है इंडिया 4 स्टेटस और एक यूनियन टेरिटरी इसकी जो है वो इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, यानी कि चाइना के साथ इंडिया की 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी इसके साथ फ्रंटियर्स लैंड बाउंड्री शेयर करती है। ठीक, तो कौन कौन सी, लद्दाख आपकी जो यूनियन टेरिटरी आती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, यहाँ पे ये ऐसे 4 स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और लद्दाख एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करती है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ 3 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो बाउंड्री शेयर करती हैं। 3 स्टेट्स पहले हम देखेंगे, 3 स्टेट्स कौन कौन से, शाबाश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, ये 3 स्टेट्स ऐसे जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और 2 यूनियन टेरिटरीज कौन है, जे और आपका लद्दाख जो है ये भी पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, क्योंकि जे अलग यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख जो है वो अलग यूनियन टेरिटरी है। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स में जो क्वेश्चन करते हैं, आपका कंफ्यूजन में मैं यही पे क्लियर करता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम जो है ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। देखिए पीओ के जो ना, अगर हम मॉडल मैप के हिसाब से देखेंगे तो वो पीओके वाला जो रीजन है ना वो लद्दाख के साथ इंडिया इंक्लूड करता है, लेकिन वहां से इंडिया बोलता है कि ये किसका पार्ट है, ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन मैप में कौन दिखा रहा है, मैप में दिखा रहा है पीओके जो है वो लद्दाख के साथ है। तो हम ये भी कह सकते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पाकिस्तान के साथ या तो लद्दाख की बॉर्डर शेयर करेगी या तो जम्मू एंड कश्मीर ही बॉर्डर शेयर करेगी, ठीक है, उनकी बात जो है ना 100% सही है, लेकिन अब मुझे पता ना दोनों सिचुएशन है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं दोनों यूनियन टेरिटरी जो है वो इसके साथ शेयर कर रही है, ठीक है, क्योंकि अगर हम पीओके का मानेंगे ना फिर भी जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, फिर भी जम्मू एंड कश्मीर यहाँ बारामूला की साइड पे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर आप पीओके का हिस्सा इसको मानते हो ना लद्दाख को, तो तभी जाके लद्दाख जो है वो इसके साथ बाउंड्री शेयर करेगा, वरना वहां पे लद्दाख जो है ना बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर सकता है, ठीक है, जब तक ना कि आप उसको पीओके का हिस्सा मानोगे। लेकिन वहां से तो भारत बोल रहा है ये पीओके जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन मैप में दिखा रहा है लद्दाख का हिस्सा है, इसलिए हम यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं, ठीक। अब देख लीजिए नेपाल, अब देखना चेक करना आप, नेपाल, नेपाल के साथ कौन कौन सा करता है, शाबाश, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम, ठीक। इसके बाद म्यांमार, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 स्टेट्स, कितने, 4। नेपाल के साथ कितने करते हैं, 5 स्टेट्स, ठीक है। तो इसके बाद भूटान के साथ कितने स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं, शाबाश, 1 2 3 4, दैट्स अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अफगानिस्तान के साथ एक ही जगह पर बाउंड्री शेयर करती है, दैट्स पीओके के रीजन में। अब कुछ जियोग्राफर्स बोलते हैं कि पीओके जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए वो बोलते हैं अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ही इंडिया बाउंड्री शेयर ही नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंडर है इस वक्त। अब जो जियोग्राफर इसको मानते हैं अभी भी ये इंडिया का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, ठीक है, मुझे उससे गर्ज नहीं है या नहीं है, वो हमें उससे गर्ज नहीं, हमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो अफगानिस्तान के साथ ही कहां पे शेयर करते हैं बॉर्डरी, सिर्फ पीओके में, दैट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो अगर आप उसको अभी भी हमारा हिस्सा मानते हो, ठीक है, इंडिया का आप हिस्सा उसको मानते हो, कुछ जियोग्राफर्स मानते कुछ नहीं मानते, ठीक, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ये पीओके रीजन में इसके साथ बॉर्डरी शेयर करता है, ठीक है। अब अगर पीओके को आप जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हो तो आप बोलना जे के जो है वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डरी शेयर करता है। अब अगर आप पीओके को लद्दाख का रीजन मानोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे लद्दाख ही अफगानिस्तान के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। फिलहाल मैं आपको मैप के हिसाब से बताऊं तो फिर लद्दाख ही जो ऐसा है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो उसको लद्दाख के साथ जोड़ रहे हैं मैप में, तो हम कह सकते हैं पीओके के साइड में लद्दाख का जो रीजन है वहां पे अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर होता है, ठीक, श्रीलंका को तमिलनाडु के साइड में, छोड़िए आप इसको, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, बहुत ही बड़ा ध्यान रखना आप देख लीजिए। हाँ, सबसे ज्यादा बाउंड्री, सबसे ज्यादा लैंड फ्रंटियर इंडिया किसके साथ शेयर करता है, 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक शाबाश, किसके साथ करती है शेयर, बांग्लादेश के साथ, तो कितना शेयर करती है 4096 किलोमीटर, जो मैं अभी आपको बोल रहा था। ये जो वैल्यूज है ये तो आपको पहले लगेंगे मुश्किल, लेकिन मुझे भी लग रहे थे, मैंने बहुत छोटी उम्र में याद किए थे, ये लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसका रिवीजन 2-3 बार करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, सीरियली इनको याद करना। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर ये शेयर करता है, ठीक, सबसे ज्यादा हो गया, ये तो हमें पता है। अब सबसे कम बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, वो जो है ना श्रीलंका, अगर ऑप्शन में होगा तो श्रीलंका को ही टिक करना, अगर श्रीलंका ऑप्शन में नहीं होगा, वैसे तो श्रीलंका को मानते ही नहीं है, ठीक, क्योंकि एक आइलैंड है, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड विद दिस और इंडिया विद गल्फ ऑफ मैनर, इसलिए बोलते कि लैंड बॉर्डर वहां से ये शेयर नहीं करते हैं, ठीक। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ कितना बाउंड्री शेयर करते हैं? 106 किलोमीटर, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर होती है, सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है। अब जो मैं अभी आपको बोल रहा था ना कि कुछ जियोग्राफर्स मानते हैं पीओ के जो है वो हमारे इंडिया का हिस्सा है ही नहीं, तो इसका मतलब है अगर उस हिसाब से कोई एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, वो अगर ये सोच के डालेगा कि पीओ के हमारा हिस्सा नहीं है, तो आपके आंसर, आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर फिर आपके आंसर में अफगानिस्तान नहीं होगा, देख लीजिए ऊपर क्वेश्चन होगा इंडिया शेयर्स लीस्ट लैंड बॉर्डर विद, वहां पे अफगानिस्तान भी अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप भूटान को टिक करना। किसको? भूटान को, जो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर जो शेयर करता है इंडिया के साथ बाउंड्री, ठीक है, यही है ना। तो सबसे कम, लेकिन आप फिलहाल अफगानिस्तान याद रखना, ठीक है, क्योंकि पीओके जो है वो इंडिया का हिस्सा है, तो मानते भी हैं बहुत सारे जियोग्राफर्स, लिखते भी हैं ऑथर्स, तो हम कहेंगे फिलहाल अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान नहीं होगा तो आप भूटान को टिक करना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे और कुछ अगर बचता है तो देखता हूं मैं। एक होता है लैंड बॉर्डर, है ना, एक होता है लैंड बॉर्डर, दूसरा होता है मैरीटाइम बॉर्डर। मैरीटाइम बॉर्डर आपको पता है क्या होता है? मैरीटाइम बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर होता है जो समंदर का बॉर्डर होता है। देख लीजिए हमारा कब्जा कहां पे है? बे ऑफ बंगाल में भी है, ठीक। तो बे ऑफ बंगाल में भी हमारा कोई ना कोई एंड पॉइंट होगा, है ना, बे ऑफ बंगाल में भी हमारा कोई ना कोई एंड पॉइंट होगा। जिस तरीके से हमारा इंडियन ओशन में एंड पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, तो इसी तरीके से बे ऑफ बंगाल में भी हमारा कोई ना कोई एंड पॉइंट होगा। तो किसी ये आपका जो मैरीटाइम बाउंड्री है ना वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको अब वही मैरीटाइम बाउंड्री पढ़ाऊंगा, यानी कि जो हमारे समंदर है ना, समंदर में जो हमारे एंड पॉइंट्स है, समंदर में जो हमारा बॉर्डर है, ठीक है, वो किस कंट्री के साथ शेयर करता है इंडिया, तो वो चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि यहां से तो कोई और आइलैंड कंट्री होगी या कोई और कंट्री होगी, उसका मैरीटाइम बॉर्डर होगा, उसका कब्जा इस समंदर में होगा, यहां से हमारे इंडिया का कब्जा होगा, तो बीच में जो ये लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। देख लीजिए बाउंड्री लाइन्स दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, वो लाइन्स जो इंडिया को, वो पॉइंट्स जो इंडिया को सेपरेट करती है फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि जो इंडिया की लैंड, वो लाइन जो इंडिया की लैंड और इसकी नेबरिंग लैंड को क्या करती है, सेपरेट। जिस तरीके से हमारे मकान होते हैं, हमारा जो मतलब वो होता है क्या उसको बोलते हैं, लॉन्स वगैरह जो हमारे होते हैं, हमारी पार्क वगैरह जो होती है, हमारी जितनी भी जमीन हमारे हाउस के अंडर होती है, ठीक, फिर हम फेंसिंग करते हैं, वो जो फेंसिंग है ना वो एक बैरियर बनती है ना, वो क्या बनती है, वो एक बाउंड्री लाइन बनती है बिटवीन आवर टेरिटरी एंड आवर नाइबर्स टेरिटरी। इस तरीके से हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी लाइन है जो इंडिया की टेरिटरी को सेपरेट करती है, जो इंडिया की लैंड को सेपरेट करती है फ्रॉम इट्स नाइबरिंग, ठीक है, कंट्रीज। देखिए बहुत ज्यादा थक चुका मैं। देख लीजिए बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश और इंडिया को कौन सा ऐसी लाइन है जो बांग्लादेश और इंडिया को सेपरेट करती है, वो है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इसको हम बोलते हैं सिंपली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर या इंडिया बांग्लादेश इनक्लेव्स, उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो इंडिया की टेरिटरी और बांग्लादेश की टेरिटरी को सेपरेट करती है। भूटान और इंडिया की टेरिटरी को सेपरेट कौन करती है? कोई नहीं, यहाँ पे ओपन बॉर्डर है हमारे, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर जो है वो खुले हैं, ठीक। और जो आपका नेपाल है, नेपाल में भी आपके ओपन बॉर्डर है, बॉर्डर जो है खुले हैं, ठीक। और चाइना और हमारा जो इंडिया है, इसका मतलब इसकी जो टेरिटरी है ना वो सेपरेट कौन करती है, यानी कि इंडिया की टेरिटरी को चाइना की टेरिटरी के साथ कौन सी ऐसी लाइन है जो इसको सेपरेट करती है। शाबाश। अरे यार लाइट की प्रॉब्लम है मुझे बहुत ज्यादा इधर। हाँ, इंडिया की टेरिटरी को और चाइना की टेरिटरी को कौन सी लाइन सेपरेट करती है? मैकमोहन लाइन, यानी कि यहाँ पे इंडिया की टेरिटरी, यहाँ पे चाइना की टेरिटरी, बीच में मैकमोहन लाइन है, वो सेपरेट करती है इसकी टेरिटरी को और इसकी टेरिटरी को, ठीक। और नेपाल में तो ओपन बॉर्डर है। म्यांमार और इंडिया की टेरिटरी को कौन सेपरेट करता है? इंडियन म्यांमार बैरियर, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, इंडियन म्यांमार बैरियर। पाकिस्तान और इंडिया की टेरिटरी को कौन सेपरेट करता है? रेड क्लिफ लाइन, कौन सेपरेट करता है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। अब देख लीजिए श्रीलंका और इंडिया की टेरिटरी को कौन सेपरेट कर रहा है? शाबाश, रामा सेतु ब्रिज। रामा सेतु ब्रिज आपने याद होगा, आपने पढ़ा होगा, रामा सेतु ब्रिज, रामा सेतु ब्रिज जिसको हम बोलते हैं रामास ब्रिज भी उसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं रामास ब्रिज या एडम्स ब्रिज भी हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, एडम्स ब्रिज या रामास ब्रिज, ब्रिज भी हम उसको बोलते हैं। वो इंडिया की टेरिटरी और श्रीलंका की टेरिटरी को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, ठीक। और गल्फ ऑफ मैनर भी तो इंडिया और श्रीलंका की टेरिटरी को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। पाक सी ट्रेड भी क्या कर रहा है, इंडिया की टेरिटरी और हमारे श्रीलंका की टेरिटरी को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। अब हो गया ये। अब मैं आपको बताऊंगा मैरीटाइम बॉर्डर, यानी कि वो बाउंड्रीज, वो लाइन्स जो कहां पे, ये तो आप जमीन पे देख रहे थे, ठीक है, ये तो आप माउंटेन्स एरिया, बॉर्डर्स एरिया पे जो लाइन्स मतलब लगाई गई हैं, तो जो हमारे इंडिया और नाइबरिंग कंट्रीज को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन अब वो टेरिटरीज, वो लाइन्स जो कहां पे है, जो कहां पे डाले गए हैं, वो बैरियर जो कहां पे बनाए गए हैं, जो हमारे समंदरों में बनाई गई है, ठीक है, जो हमारे समंदरों में बनाए गए हैं। देख लीजिए, तो समंदर में जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में एक न्यू मूरी आइलैंड है। क्या है? न्यू मूरी आइलैंड जो है ना, वो बांग्लादेश की टेरिटरी और हमारे इंडिया की टेरिटरी को सेपरेट कर दिया, क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो है ना, बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश का भी थोड़ा कब्जा है और यहां से इंडिया का भी कब्जा है, तो बीच में जो न्यू मूरी आइलैंड है ना, वो उनकी टेरिटरी और हमारी टेरिटरी को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। म्यांमार और इंडिया, इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में म्यांमार का भी कब्जा है। म्यांमार और हमारे इंडिया के बीच में कौन से ऐसी चीजें जो इनकी टेरिटरी और हमारी टेरिटरी को सेपरेट कर रही हैं, लैंडफॉल आइलैंड, याद रखना, ठीक, ये मैरीटाइम बाउंड्री है। और इसके बाद पाकिस्तान और हमारी जो टेरिटरी है अरबियन सी में, दिस इज सर क्रीक लाइन जो है, सर क्रीक एक ऐसी लाइन है जो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है और हमारी बाउंड्री है उसको सेपरेट कर रही है, लेकिन कहां पे, अरबियन सी में, ठीक। श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे, श्रीलंका में आपको तो देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मैनर और ये पाक सी ट्रेड जो है, ये ऐसी दो मैरीटाइम बाउंड्रीज है जो कहां पे, इंडियन ओशन में है, ठीक है, हो गया ये। और इसके अलावा आप याद रखना कच्छतीव, ठीक है, कच्छतीव जो है ना, इट्स मैरीटाइम बाउंड्री विच सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए आप इंडोनेशिया और इंडिया को बीच में ऐसी कौन सी लाइन है जो सेपरेट करती है, दैट इज इंदिरा पॉइंट। इंडोनेशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय इंदिरा पॉइंट, ठीक। और थाईलैंड और इंडिया को कौन सेपरेट कर रहा है, सिमिलॉन आइलैंड, ठीक है, सिमिलॉन आइलैंड। मालदीव और इंडिया को कौन सेपरेट कर रहा है, मलिकू कांडू एक ऐसा पॉइंट है जो मालदीव और इंडिया को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, मलिकू कांडू, ठीक है। थाईलैंड और इंडोनेशिया भी हमने देखा, ठीक है, ठीक है। ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स थे ना, ये क्या है, ये मतलब आपको खुद ही असल में पढ़े, मुझे बस दिखाने हैं, ठीक, ये आपको खुद याद रखना है। लेकिन इतना मैं आपको बताऊं, ये वाला जो है ये मैरीटाइम है, ये भी मैरीटाइम है, ठीक है, ये भी मैरीटाइम है, और ये लैंड बॉर्डर है, ये चीज मैं बता सकता हूँ, लेकिन खुद बाकी तो आपको याद करना है ना, ठीक है। तो मुझे जरूर बताना आज भी कि आपको कैसा लगा, बोर्ड वाला सिस्टम चाहिए या आपको वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम चाहिए, मुझे ये चीज भी बताना, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।